यहाँ पर आपको बताएं कि प्लेटलेट्स की बजाय जूस की ड्रिप लगाने से डेंगू का मरीज चल बसा। भारत की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में डेंगू बुखार के मरीज को खून के प्लेटलेट्स की बजाय मुबैना तौर पर फलों का जूस लगा दिया गया, जिसके नतीजे में मरीज चल बसा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल प्रदीप पांडे के खानदान ने इल्जाम आयद किया है कि निजी अस्पताल में मरीज को ड्रिप में जूस और केमिकल दिए गए। तबीयत बिगड़ने पर मरीज को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत वाके हो गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरे अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रदीप पांडे के रिश्तेदारों को बताया कि प्लेटलेट्स का बैग जाली था और इसके अंदर जूस भरा हुआ था। सोशल मीडिया पर प्लेटलेट्स के बैग की वीडियो वायरल होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने हुक्म दिया कि प्रयागराज शहर में वाके ग्लोबल अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर को सील कर दिया जाए, जहां मरीज को प्लेटलेट्स की जगह जूस की ड्रिप लगाई गई। उन्होंने कहा कि मेरी हदायत पर अस्पताल सील कर दिया गया है और प्लेटलेट्स टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। अस्पताल को कसूरवार पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मजीदा खबर रहने के लिए देखते रहें फोकस न्यूज़।